नमस्कार दोस्तों, करियर सनेडो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल यह है कि क्या 10वीं कक्षा के बाद हम मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ। दोस्तों, 10वीं कक्षा के बाद 3-4 ऐसे बहुत ही बढ़िया कोर्स है जो करके आप मर्चेंट नेवी में अपना बहुत ही बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जीपी रेटिंग का कोर्स। दोस्तों, 10वीं कक्षा के बाद जीपी रेटिंग यानी जनरल पर्पस रेटिंग का कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। जीपी रेटिंग का कोर्स 6 महीने का होता है। अगर यह कोर्स आप सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं तो आपको जहाज़ों में डेक और इंजन के विभागों में जिम्मेदारियां मिल सकती है। तो अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लघुतम 40 मार्क से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और 10वीं कक्षा के बाद जो उम्मीदवार यह कोर्स करना चाहता है उसकी उम्र 17.5 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उम्मीदवार की लंबाई 157 सेंटीमीटर और वजन 48 किलो होना चाहिए। अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो आप सुधारात्मक लेंस पहन सकते हैं, लेकिन दोनों आंखों में आई साइट 6x12 का होना चाहिए। अगर कोर्स की फ़ीस की बात करें तो जीपी रेटिंग कोर्स की फ़ीस लगभग 2 लाख रुपयों के आसपास होती है। हालांकि फ़ीस कॉलेजों पर निर्भर करता है। अगर हम वेतन की बात करें तो शुरुआत के 9 महीने उम्मीदवार को 12,000 से 15,000 के आसपास दिए जाते हैं। जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर 60,000 तक का वेतन मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर दूसरे कोर्स की बात करें तो जिसका नाम है एनसीवी डेक कैडेट कोर्स। दोस्तों, एनसीवी डेक कैडेट भारत सरकार मान्य 10वीं कक्षा के बाद 6 महीने का कोर्स होता है। यह कोर्स ख़त्म करने के बाद उम्मीदवार की एग्ज़ाम ली जाती है, जिसमें अगर उम्मीदवार उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसको इंडियन CDC प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत उम्मीदवार दुनिया में किसी भी जगह एनसीवी कैडेट के रूप में नौकरी कर सकता है। अगर इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए योग्यता की बात करें तो आपको लघुतम 40% मार्क से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और 10वीं कक्षा के बाद जो उम्मीदवार यह कोर्स करना चाहता है उसकी उम्र भी 17 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उम्मीदवार की लंबाई 157 सेंटीमीटर और वजन 48 किलो होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण की बात करें तो उम्मीदवार की दोनों आंखों में आई साइट 6x6 का होना चाहिए। अगर कोर्स की फ़ीस की बात करें तो एनसीवी डेक कैडेट कोर्स की फ़ीस लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास होती है। हालांकि यह भी कॉलेज पर निर्भर करता है कि आप कैसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर तीसरे कोर्स की बात करें तो सलून रेटिंग कोर्स। सलून रेटिंग कोर्स भी 6 महीने का कोर्स होता है। हालांकि सलून रेटिंग कोर्स जहाज़ में खान पान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कोर्स ख़त्म करने के बाद जहाज़ में कुक और स्टेवर्ड के पद पर नौकरी मिलती है। अगर आप सलून रेटिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लघुतम 40% मार्क से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और 10वीं कक्षा के बाद जो उम्मीदवार यह कोर्स करना चाहते हैं उसकी उम्र भी 17.5 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो उम्मीदवार की लंबाई 157 सेंटीमीटर और उम्मीदवार का लघुतम वजन 48 किलो होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ भी आप सुधारात्मक लेंस पहन सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार की दोनों आंखों में आई साइट 6x12 की होनी चाहिए। अगर कोर्स की फ़ीस की बात करें, कोर्स की फ़ीस लगभग 2 लाख रुपये के आसपास होती है। अगर हम वेतन की बात करें तो इस कोर्स के बाद नौकरी मिलती है, उनका वेतन काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ आपको 90,000 से 1.5 लाख तक का वेतन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा के बाद मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह 3 में से कोई एक कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी में अपना बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही करियर टिप्स और लेटेस्ट जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी चैनल करियर सनेडो को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.careersanedo.in की विजिट करें। धन्यवाद।